छोड़ो। भाग्यनगर में सामूहिक गणेश उत्सव इस बार भी होगा, सामूहिक निमज्जन कार्यक्रम नहीं रहेगा और कोविड के नियम के अंतर्गत अपना गणेश मंडप रहना चाहिए और गणेश मंडप में पांच लोग चार पांच से ज्यादा नहीं रहना, सभी मास्क का धारण करना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इस प्रकार गणेश उत्सव मनाना है। ज्यादा हाई फाई में नहीं करते हुए सिंपल साधारण रूप से करना, भजन करना, देशभक्ति के गीत गाना, ज्यादा लोग गैदर नहीं होना, यह निर्णय तरसाने श्रीनिवास यादव एनिमल हस्बेंड्री एंड सिनेमाटोग्राफी के मिनिस्टर के चैम्बर में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में होम मिनिस्टर साहब भी थे और तीनों भी कमिश्नर्स थे, जीएचएमसी कमिश्नर भी थे और एंडोमेंट कमिश्नर भी थे। इस मीटिंग में एंडोमेंट कमिश्नर को उन्होंने आदेश दिए कि पूरे एंडोमेंट्स के अंतर्गत मंदिरों में भी गणेश की पूजा इस बार कराओ, अच्छा मनाओ बोल के बताए। उसी प्रकार गेटेड कम्युनिटी या अपार्टमेंट्स में, कम्युनिटी हाउस में, मंदिरों में भी कर सकते, और जहाँ यह व्यवस्था सुविधा नहीं बस्तियों में भी यह मंडप छोटा कर लेके अपने गणेश को विसर्जन करने के लिए, निमज्जन करने के लिए गाड़ी में ले जाना, चार पांच लोग ही वहाँ से निमज्जन करके आना, लोग ज़्यादा नहीं रहना, रोड के ऊपर भी स्वागत मंच नहीं रहेगा, प्रसाद वितरण नहीं रहेगा, पानी का भी व्यवस्था नहीं रहेगा, सादा सीधा इस बार अपन इस उत्सव को बनाएंगे कोविड के नियमों के अंतर्गत और सभी लोग सुखी रहना, अपना शहर, अपना राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सभी को सुखी रहे जैसा अपन गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे। कोविड से मुक्ति देने के लिए भी अपन प्रार्थना करेंगे। इसके अंदर अपना धार्मिक रिचुअल्स जो है वो अपने मंडप में कर लेना, ज़्यादा लोग गैदर नहीं होना, अपने कारण कोविड का स्प्रेड शहर में हुआ ऐसा अपवाद अपने को नहीं आना, यह दर्शाना और यह चरित्र का निर्माण भी करना कि ऐसी परिस्थिति में भी सरकार और यहाँ के उत्सव के ऑर्गेनाइजर्स जो मंडप वाले सब मिलकर इस उत्सव को शानदार तरीके से बनाए, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श भूमिका निभाए, इस प्रकार इसको बनाएंगे। और सरकार से हम निवेदन भी करें कि डिस्ट्रिक्टों में भी पूरे पुलिस कमिश्नरों को और एसपीस को पुलिस स्टेशन वाइज इंस्ट्रक्शन लेके, सेक्टर वाइज मीटिंग्स लेके, दोनों के बीच में समन्वय रहते हुए यह उत्सव बनाएंगे, ऐसा हम वहाँ पर एक निर्णय पे आए हैं, वो आपके सम्मुख में लगाएंगे।